हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेमन ग्रास, जिसको सिम्बोपोगोन भी कहते हैं, सिट्रोनेला ग्रास भी कहते हैं, नींबू घास भी कहते हैं, इसको हम आसानी से पानी के अंदर किस तरीके से इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लेमन ग्रास है वो एक बहुत ही मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एडिशन होगा आपके गार्डन में। अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में लेमन ग्रास नहीं ग्रो कर रखी है तो आप ज़रूर ग्रो करें। और अगर आप टी लवर हैं, मतलब चाय पीने के अगर बहुत शौकीन हैं, तब तो आपको ये ज़रूर ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ये पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, इसको चाय में डालने पर एक बहुत ही अच्छी एक फ्रेशनेस और एक एरोमा आपके टी में ये ऐड करेगा, जो कि आपके लिए टेस्टी भी होगा प्लस हेल्थ वाइज भी वो अच्छा होगा। वैसे तो आप इसको मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन पानी में ग्रो करने का अपना एक अलग ही वो है इम्पोर्टेंस। ये देखिए, आपको आपकी जो प्लांट की रूट्स हैं वो इमर्ज होती हुई दिखेंगी, प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है आप सब अपनी आंखों के सामने देखेंगे, तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है, अच्छा लगता है। और ये प्लांट बहुत आसानी से पानी में प्रोपोगेट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हमें प्रोपोगेट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा लेमन ग्रास का प्लांट है जो पॉट में लगा हुआ है। इसको अभी मैंने रिपॉट किया था, तो देखिए कितनी सारी न्यू ग्रोथ इसमें आ रही है। अभी इसको रिपॉट करके को खाद भी दिया था, तो देखिए कितना अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। धीरे धीरे ये पूरे गमले को फिल कर लेगा। तो इसी में से हम कुछ इसके जो स्टॉक्स हैं, इनको स्लिप्स बोलते हैं, इनको हम इसमें से कट कर लेंगे इसके प्रोपगेशन के लिए। तो देखिए, ये इस तरीके से ये कट कर लिया है। ऐसे ही मैं 3-4 इसमें से निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्लिप्स मैंने निकाल लिए हैं मेरे जो लेमन ग्रास का प्लांट है उसमें से। अब हम इनको पानी में प्रोपगेट करने के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो ये ओल्ड लीव्स हैं, ये जो ऊपर लीव्स लगी हुई हैं, इनको हम निकाल देंगे, जिससे जो रूटिंग के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके हमारी स्लिप्स को। तो इस तरीके से जितनी भी ये ओल्ड लीव्स हैं इनको हमें निकाल देना है, इस तरीके से बिल्कुल क्लियर कर देना है इसको ऐसे। और ये जो नीचे जो रूटेड पोर्शन आ गया है उसको भी हम कट कर देंगे, क्योंकि अब इसमें सारी न्यू रूट्स डेवलप होंगी इस एरिया से, इनका हमें कोई यूज़ नहीं है, तो इनको हम हटा देंगे इस तरीके से। सिकेटर की हेल्प से आप इनको हटा दीजिए। इसी तरीके से सारी स्लिप्स को मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो स्लिप्स हैं जिनसे हम इसको प्रोपगेट करेंगे वो हमारी तैयार हो गई हैं। तो नीचे से हमें इस तरीके से इनको क्लियर कर लेना है। अब क्या करना है, ऊपर से जो इनकी लीव्स हैं, ये जो पत्तियां हैं, इनको भी हमें कट कर देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा जो प्रोपगेटिंग मटेरियल है लेमन ग्रास का वो तैयार हो गया है। और जो ये पत्तियाँ बची हैं, ये देखिए कितनी फ्रेश, कितनी हेल्दी लीव्स हैं, कोई दाग धब्बे नहीं है इन पर, कहीं से भी ड्राई नहीं है। तो इनको आपको फेंकना नहीं है, कैंची की हेल्प से इनको ऐसे कट करके और छोटे छोटे पीसेस करके इस तरीके से, और आप अपनी चाय में डाल दीजिए थोड़े से 5-6 पीस, तो चाय का जो फ्लेवर है, जो एरोमा है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसके बाद हम एक प्लास्टिक का या कांच का कोई भी जार ले सकते हैं, इस तरीके का ट्रांसपेरेंटी लेना है, जिससे आपको उसमें दिखता रहे। वही चीज़ तो वाटर प्रोपगेशन में अच्छी लगती है, कि हम अपने प्लांट को रूटिंग होते हुए देखते हैं। तो इस तरीके का ट्रांसपेरेंट ले लेना है, और आपको जो ये स्लिप्स मैंने तैयार की थी इनको सिंपली इसमें इस तरीके से रख देना है। और अब इसमें हमें पानी भर देना है। पानी आप सिंपल टैप वाटर कोई भी ले सकते हैं, इतना ही पानी आपको इसमें भरना है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर तक इसको फिल कर दें, इतना पानी इसके लिए काफ़ी होगा, इतने ही एरिया से इसमें रूटिंग होती है।
और इसको आप अपने गार्डन में कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको शेडी एरिया में ही इसको रखना है। एक वीक के अंदर आपको इसमें रूटिंग नजर आने लग जाएगी, लेकिन हमें इसको तुरंत ट्रांसप्लांट नहीं करना है मिट्टी में, हमें वेट करना है कि इसकी जो रूटिंग है वो थोड़ी सी 2 से 3 इंच तक लंबी हो जाए, तब हम इसको जो हमारा मिट्टी है उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लगभग 2 से 2.5 वीक पहले कुछ इसी तरीके की स्लिप्स पानी में रखी थी, उनमें कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मेरे ही प्लांट से कुछ स्टॉक्स पानी में रख दिए थे, इनको लगभग 2 से 2.5 सप्ताह हो चुका है, तो इनमें कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। देखिए न्यू ग्रोथ भी इनमें होने लगी है, ये लीव्स आने लगी हैं लेमन ग्रास में न्यू। तो ये जितनी भी स्लिप्स मैंने इसमें डाली थी सब में रूटिंग हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग है, काफ़ी लंबी रूट्स बन चुकी हैं, तो अब इनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए एक थोड़ी सी पतली एकदम स्टॉक था तो उसमें भी रूटिंग हुई है, लेकिन थोड़ी कम हुई है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप पानी में अपनी जो लेमन ग्रास है उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। अब जो हमारे ये स्टॉक्स हैं ये लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं इनको अभी पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी। तो क्योंकि अभी ये छोटी हैं हमारे जो स्लिप्स हैं वो, तो हम बहुत बड़ा पॉट इनके लिए यूज़ नहीं करेंगे। अभी मैं इसमें, ये देखिए 6 इंचेस का पॉट है, इसी में इनको ट्रांसफ़र करूँगी। ये देखिए इसके अंदर बहुत सारे ड्रेनेज होल बने हुए हैं पॉट के अंदर, तो ये ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आप जिस भी पॉट में लगाएं आप ड्रेनेज होल ज़रूर उसमें बना लें, जिससे कि जो एक्सेस वाटर है वो बाहर निकल जाए। तो ये देखिए ये मेरे गार्डन की पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्तियां। मैं मेरे बगीचे की एक भी पत्ती को फेंकती नहीं हूँ, जब भी मैं मेरे पौधों की प्रूनिंग करती हूँ तो सारी लीव्स को इस तरीके से एक जगह कलेक्ट करके उनको ड्राई कर लेती हूँ। तो इन पत्तियों से मैं इसकी कुशनिंग कर दूंगी, जिससे इसके जो ड्रेनेज होल हैं वो भी छुप जाएंगे और मेरे जो पॉट है उसकी मिट्टी के लिए एक जो कार्बन रिच मटेरियल है वो भी तैयार हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये डिकम्पोज होके बाद में खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारे जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशन देगा। तो इस तरीके से देखिए सारे ड्रेनेज होल इसके मैंने ढक दिए हैं। अब इसमें जो मिट्टी मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये जो लेमन ग्रास है इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, मतलब पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। वैसे तो जो पौधा है उसको नमी पसंद होती है, मतलब जो मिट्टी है वो थोड़ी सी नम रहनी चाहिए हमेशा, एकदम ड्राई नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो जो इसकी लीव्स होती हैं उनका उसमें डिकलरेशन हो जाता है, मतलब जो पत्तियाँ हैं वो आपको ग्रीन नहीं दिखेंगी, लाइट ग्रीन कलर की हो जाएंगी अगर उसमें पानी की कमी है। तो मैंने जो मिट्टी इस्तेमाल की है इसमें मेरी 50% तो गार्डन की सॉइल है और 30% मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई है। आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो। और 10% इसमें राइस हस्क मिलाया है मैंने और 10% ही जो रिवर सैंड होती है वो मिक्स की है। तो ये एकदम पोरस सॉइल है, आप देखिए कितनी फ्री फ्लोइंग मिट्टी है। तो इसमें अगर आप पानी डालेंगे तो पानी डालते से ही नीचे से जो ड्रेनेज होल है उससे जो एक्सेस पानी है वो ड्रेन हो जाएगा, तो हमारे प्लांट की जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होंगी। तो अब मैं इस मिट्टी को, जो मेरा पॉट है उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद हम अपने जो स्टॉक्स हैं लेमन ग्रास के उनको रखेंगे। मैं एक ही पॉट में लगा रही हूँ अभी इन सबको, लेकिन जब इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, थोड़े से ये ग्रो करने लगेंगे, तब मैं इसको फिर बड़े पॉट में इनकी ट्रांसप्लांटिंग कर दूंगी या शिफ्टिंग कर दूंगी। तो सारे स्टॉक्स को देखिए मैं इसी तरीके से रख दूंगी एकदम मिडिल में। जो इनकी न्यू ग्रोथ है उसको हमें बिल्कुल एकदम दबाना नहीं है, थोड़ी जैसे देखिए ये बड़ी बड़ी हो गई हैं तो इनको हमें बाहर ही रखना है। तो अब ऊपर से इसके ऊपर ऐसे मिट्टी डाल देंगे। साइड साइड से थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, जिससे कि जो हमारे ये स्टॉक्स हैं वो इसमें सेट हो जाएं। अब इसकी हम वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग थोरोली करनी है, जिससे नीचे तक की जो मिट्टी है वो पूरी सैचुरेट हो जाए, मतलब ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाना चाहिए। इस तरीके से हमें इसकी वाटरिंग करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ गया है, मतलब हमारी पूरा जो मीडिया है वो सैचुरेट हो चुका है। अब ये सन लविंग प्लांट है, इसको ऐसा नहीं है आपको शेड में रखना है, इसको आपको फुल सनलाइट में रखना है, इसको 6 से 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा प्लांट लग गया है। अभी ये देखिए धीरे धीरे बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। तो अगर अभी तक आपने अपने गार्डन में लेमन ग्रास का प्लांट नहीं लगा रखा है तो आप जरूर से इसको अपने गार्डन में ऐड कर लें। जो लेमन ग्रास का प्लांट होता है फ्रेंड्स, उसमें मेडिसिनल और एरोमेटिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो इसको लेमन ग्रास इसलिए कहते हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं उनको आप ऐसे क्रश करके और स्मेल करेंगे तो इसमें बहुत तेज एकदम लेमन जैसी स्मेल आती है। बिल्कुल सिमिलर आपको लगेगा आप नींबू ही सूंघ रहे हैं। इसमें एसेंशियल ऑयल्स इससे निकलते हैं जो बहुत सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। अगर आप इसको अपने गार्डन में लगाते हैं तो एक नई फ्रेशनेस आपके गार्डन में ऐड होगी और जरूर आप ये लगाएं फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाले जो वीडियोज उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।